नमस्ते इंडिया, नमस्ते भारत। दोस्तों, आज मदर्स डे है। मैं आज बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको कन्वे करूँ, क्योंकि आज बात मदर की है, मम्मी की है, आई की है, ताई की है, मॉम की है, हम जिस चाहे रूप में उन्हें बुलाएं। मैं लास्ट एक दो घंटे से मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आज क्या बात करूँ आप लोगों से, क्योंकि इतना कुछ है मम्मी माँ के बारे में बात करने के लिए कि मैं अगर लाइफ टाइम भी मैं अगर यूट्यूब वीडियो बनाऊँ तो सारे कुछ को मैं कैप्चर नहीं कर सकता, कोई नहीं कैप्चर कर सकता। मैं किस बारे में बात करूँ दोस्तों? उस बारे में बात करूँ कि अगर हम साइकिल से गिर जाते थे तो माम दौड़ के आती थी और देखती थी हमें चोट लगी है कि नहीं लगी है। हम स्कूल में फेल हो जाते थे तो माँ बोलती थी कोई बात नहीं बेटा, फिर से ट्राई कर, हो जाएगा, हार मत मान। अगर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो बिना दूध और हल्दी दिए मम्मी को चैन नहीं आता था। अगर स्कूल की टीचर ने बोल दिया कि आपका बेटा या बेटी बदमाश है तो माँ बोलती थी मैडम आप गलत हो सकते हैं, मेरा बेटा बेटी बहुत अच्छा है। किस बारे में बात करूँ दोस्तों, समझ नहीं आ रहा है। हम शादी के लिए जाते हैं तो माँ पूरा अपना दम लगा देती है ये समझाने में कि मेरा बेटा या बेटी बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, उसमें कितने सारे स्किल्स हैं, वो किस तरह से मेरा या मेरा ध्यान रखता है। किस बारे में बात करूँ, इतनी सारी चीज़ें। दोस्तों, KGF का एक डायलॉग मुझे अभी याद आ रहा है कि माँ एक योद्धा है, माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। बहुत सही बात बताई गई है। दोस्तों, मैं इस समय जानता हूँ कि कोरोना वायरस का समय है, बहुत लोग अपने मम्मी माँ के साथ हैं, कई लोगों ने अपनी मम्मी को खोया है। ये सिचुएशन कैसा भी रहे, हम उनके साथ हैं या नहीं हैं, या वो हमारे साथ हैं या नहीं हैं, माँ हमेशा से रहेंगी। उसी से वजूद है दोस्तों, उसी से वजूद है। कई बार हम गुस्सा कर जाते हैं मम्मी पे, फिर जाके बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमने गलत किया है। कई बार हम सॉरी बोल देते हैं, कई बार हमें हिचकिचाहट होती है कि कैसे जाके बोलूं। अगर हम हिम्मत करके जाके बोलते हैं तो माँ मुस्कुरा देती है कि कोई बात नहीं बेटा, ऊपर से वो आशीर्वाद देती है, खुश रहो, तरक्की करो, अपना सेहत का ध्यान दो। क्या है यार, क्या रूप है माँ का, क्या क्या बारे में मैं बात करूँ दोस्तों। कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ ट्विटर पे शेयर किया है, मैं बताता हूँ। सुरेश रैना जी हैं, लिखते हैं थैंक यू मॉम फॉर ऑलवेज बीइंग माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड शोइंग मी द राइट गाइडेंस, यू विल रिमेन माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, विशिंग अ वेरी हैप्पी हैशटैग मदर्स डे टू ऑल द स्ट्रॉन्ग मॉम्स, हैशटैग लव यू माँ। पीटी उषा जी हैं, ये लिखती हैं हैप्पी बर्थडे टू माई सन विग्नेश, यू कंप्लीट मी, हैशटैग मदर्स डे। माधुरी दीक्षित नेने हैं, ये लिखती हैं आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम आई एंड आई कंटिन्यू टू डू सो एवरी सिंगल डे, हैशटैग मदर्स डे। टीम प्रभास हैं, ये लिखते हैं हैप्पी हैशटैग मदर्स डे। टीम रामचरण हैं, ये लिखते हैं How can we define a mother's love by tweeting with 280 characters in this limited space? बहुत खूबसूरत बात कही दोस्तों। Her love is always unconditional. Happy hashtag Mother's Day. ऐसे कई सारे इमोशंस अभी फ्लड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे विद इमेज, अपनी फीलिंग्स वीडियोस के थ्रू। दोस्तों प्लीज़ अपनी फीलिंग जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मुझे आपके फीलिंग्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी मदर्स डे।